हेलो गाइस सो द टॉपिक का नाम इज लिक्विड इन यू ट्यूब एक यू शेप्ड ट्यूब ले लेते हैं एक यू ट्यूब लिया उसके अंदर लिक्विड भर दिया एक तरफ से उसे दबा दिया तो दूसरी तरफ से लिक्विड ऊपर उठ जाएगा अब इसको छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऑक्सीलेशन करेगा ये ऑक्सीलेशन पीरियोडिक है ऑब्वियसली एंड ये सिंपल हार्मोनिक भी है ये हम प्रूव करेंगे एंड इसका टाइम पीरियड ऑफ एस निकालेंगे साथ में अगर मान लो

YouTube है, YouTube है, ठीक है और हमें ये पता है कि दोनों तरफ हाइट सेम होती है ना वर्टिकल हाइट सेम होती है जब मीन पोजीशन होगा जब इक्विलिब्रियम होगा दोनों तरफ वर्टिकल हाइट सेम होगी एक्सेलरेशन जीरो होगा एक्सेलरेशन जीरो होगा अब मान लो इसको मैं मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दूं तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा दोनों तरफ एरिया सेम है दोनों तरफ एरिया सेम है चलेगा लिक्विड यहां तक आ गया बेटा प्रेशर डिफरेंस कितना होगा ये होगा ना लिक्विड की हालत तो ये होगी रेड वाली किस किस को ये समझ में आ गया यहाँ पे प्रेशर होगा पी एटमोस्फियर और यहां पे प्रेशर सेम लेवल पे देखूंगा तो प्रेशर कितना होगा पी एटमोसफियर प्लस टू एक्स रोजी चलेगा प्रेशर डिफरेंस कितना हो गया टू एक्स रोजी इन टू एरिया इज फोर्स रिस्टोरिंग किस किस को यह समझ में आ गया फोर्स रिस्टोरिंग इज मास इंटू एक्सेलरेशन बेटा एक्सेलरेशन ऐसे होगी बेटा मास टोटल लेना पड़ेगा नीचे वाला पोर्शन भी तो एक्सेरेट कर रहा है हाँ या ना तो एम एम टोटल इंटू ए बेटा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स आई एन आई रिस्टोरिंग भी है प्रोपोर्शनल टू एक्स भी है तो एस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई टू रो जी अपॉन एम टोटल का अंडर द रूट इज ओमेगा अब प्रॉब्लम क्या होती है बहुत बार ना किताबों में आते कैसे लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं ये यूट्यूब है अब एम टोटल में क्या लिखना चाहिए था एम टोटल में लिखना चाहिए था कि ऐसे रख दिया ऐसे रख दिया तो एम टोटल में ये हाइट एच दे दी ये हाइट एच नॉट दे दी ये हाइट भी एच दे दी एम टोटल क्या हो जाएगा टू एच प्लस एच नॉट इन टू ए रो हाँ ना ए और रो काट दिया तो ओमेगा आ गया रूट ऑफ टू जी बाय टू एच प्लस एच नॉट टाइम पीरियड ऑफ एच एच एम आ जाएगा टू पाई रूट ऑफ टू एच प्लस एच नॉट बाई टू जी चलेगा ना गाइज एंड आई डोंट नो वाई बट सम क्रेजी पीपल दे से दैट लेट दिस टोटल लेंथ बी टू एल सो टाइम पीरियड को लिख देंगे टू पाई रूट एल बाई जी

और दूसरी ट्यूब ऐसी है ये नाइन्टी ले लो ये वाला एंगल ये एक सेकेंड ये नाइन्टी ले लो ये वाला एंगल थीटा ले लो मीन पोजीशन मीन पोजीशन में दोनों की वर्टिकल हाइट सेम होगी क्या सेम होगा बेटा वर्टिकल हाइट सेम होगी इससे एक्स डिस्प्लेस कर दो इसको एक्स नीचे ले गया तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्यूब के अलोंग एक्स ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम सेम करते हैं ना ये लिक्विड ऐसे हो जाएगा किस किस को ये चमक गया हाँ या ना प्रेशर डिफरेंस के लिए प्रेशर डिफरेंस के लिए ये हाइट तो एक्स हो जाएगी और ये वर्टिकल हाइट एक्स साइन थीटा हो जाएगी ना। तो प्रेशर यहां पे प्रेशर पी एटमोसफियर हो गया यहां पर हो गया पी एटमोसफियर प्लस एक्स प्लस एक्स साइंसिटा रोजी हाँ या ना एफ रिस्टोरिंग हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया तो दैट विल बी वन प्लस रो रोजी ए इंटू एक्स अपॉन मास टोटल इज एक्सेलरेशन बेटा ये क्वांटिटी को बोल देना ओमेगा स्क्वायर इस क्वांटिटी को बोल देना ओमेगा स्क्वायर हाँ या ना मान लो एक ट्यूब होती ऐसी, ऐसे गॉट इट पूर्वी बेटा समझ में आ रहा है हाँ सर ये एंगल होता थीटा वन ये एंगल होता थीटा टू हम कहेंगे जब ये वर्टिकल हाइट सेम है तो ये है। अब ये कह दो कि इसको x से डिस्प्लेस कर दो इसको x से डिस्प्लेस कर दो ऐसे तो मैं ये कहूंगा ये x से ऐसे ऊपर चला जाएगा अब प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा ये वाला हाइट हो जाएगा x साइन थीटा वन और ये हाइट हो जाएगा x साइन थीटा टू तो कितना आ जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू इंटू एक्स इंटू रोजी इंटू एरिया अपॉन मास टोटल इज एक्सलेशन एक्स को छोड़ के एक्स को छोड़ के सारा कूड़ा क्या है ओमेगा स्क्वायर टाइम पीरियड होता है टू पाई बाय ओमेगा गॉट इट